हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देख सकते हो आप, आपके सामने आई शेडो पैलेट है, बट ये टूट चुके हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है बाय चांस, अगर आपसे आई शेडो टूट जाते हैं आपके घर पर, या आप स्मॉल बिजनेस ओन कर रहे हो, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलती है, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो? तो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा ब्रेकेज है, ऐसा नहीं है कि आप छोटी ब्रेकेज वाले आई शेडो ही ठीक कर सकते हो, बड़े से बड़ा कोई भी पीस आप ठीक कर सकते हो। एक आई शेडो मैं साइड कर लेती हूँ, एक में मैं आपको सैम्पल दिखा दूंगी कैसे आप आई शेडो ठीक कर सकते हो, ठीक है? तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत ही सिंपल डीआईवाई है, आप खुद अपने घर में कर सकते हो। आपको चाहिए होगा इस तरीके का कार्डबोर्ड, ये थिन कार्डबोर्ड आता है। इसमें आपको क्या करना है, मैंने इससे साइड कट की हुई है इसकी, एक इसमें जो साइज़ आपको दिख रहा है आई शेडो के अंदर, इस साइज़ को आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो। मेजर करने के बाद कार्डबोर्ड को डबल फोल्ड करके इस तरीके से टेप से सिक्योर कर लीजिए। इसका जो ये वाला साइड आपको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल प्लेन होगा, जिससे हम आई शेडो को प्रेस करेंगे सेट करने के लिए। दूसरी साइड पर टेप लगी हो, ये अनइवन होगा तो भी चलेगा, ठीक है? अब हमें क्या करना होगा, साथ ही साथ एक और चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, इस तरीके का पिन वगैरह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो आपके घर में। पेन की निब होती है, या फिर अगर घर में निडल होती है, आप उनसे यूज़ करके से ठीक कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप पर क्या करना है, आई शेडो अगर आपका इधर उधर हो गया, सबसे पहले उसे उसके ब्रैकेट में लेकर आइए जहाँ पर उसकी जगह है। जैसे ये वाला आई शेडो इधर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेपर से बहुत ही लाइट हैंड से उसे उसके स्पेस में लेकर आएंगे। देखिए तो आ चुका है, बहुत ही माइनर सी जो वेस्टेज होगी यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब इसके ऊपर जो दूसरा कलर थोड़ा मैसी दिख रहा है, इसको हम रिमूव करेंगे। अपने मुंह से आप एयर ब्लो कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसको हमें ब्रेक करना होगा स्मॉल स्मॉल पीसेस में। इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली ब्रेक करिए। वीडियो बहुत डिटेल्ड वीडियो है, आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद अपने घर में कर सकते हो इसे। तो हमने अब इस पूरे आई शेडो को तोड़ लिया है। इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, साइड में जो आई शेडो हमेशा टूटती है, बीच में से ब्रेक होती है, कॉर्नर से नहीं टूटती है, तो इसके कॉर्नर ज़रूर क्लीन कर देना आप। जैसे यहाँ इसके कॉर्नर्स होंगे आई शेडो के, ये ज़रूर क्लीन कर देना, तभी आई शेडो आपका प्रॉपरली सेट होगा, वरना दोबारा निकल जाएगा, ठीक है? तो हमने इसके सारे कॉर्नर्स क्लीन कर दिए हैं, बट थोड़ा सा आई शेडो हमारा इधर उधर हो गया, उसे हम वापस इसी में ले आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें वापस आ गया। अब इसको इवनली हम स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो हमने कार्डबोर्ड से वो पेपर बनाया था, ये देखिए ये वाला जो हमने कार्डबोर्ड से पेपर बनाया था, जो इसकी प्लेन साइड होगी, ये वाली साइड होगी प्लेन वाली, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट साइज का मत बनाइएगा, वरना अंदर प्रेस नहीं होगा, हमें प्रेस करके थोड़ा सा अंदर डालना है इसको। तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाइएगा पूरे ब्रैकेट से। अब क्या करना है, अपने थंब से पूरा प्रेशर इसके ऊपर पुल कीजिए, साइड्स में प्रेस कीजिए, बीच में प्रेस कीजिए और कॉर्नर्स पे प्रेस कीजिए। अच्छा खासा प्रेशर आपको इसके ऊपर लगाना है। तो अच्छा खासा प्रेशर लगाने के बाद ये सेट हो चुका है। अब हमें कैसे रिमूव करना है, ये देखिए निडल से धीरे से इसको पकड़ना है। ये देखिए साइड्स जो इसकी एजेस हैं उन्हें हम क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर इसकी एजेस हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अब थोड़ी सी एयर ब्लो करते हैं, एक बार फिर से इसको इसके ऊपर इसे रखते हैं और प्रेस करते हैं, ताकि एजेस इसके बिल्कुल क्लीन हो जाएं। ये देखिए और बिल्कुल परफेक्ट जैसा आता है आई शेडो एज इट इज ये हो चुका है।
वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, प्रॉपर वीडियो वन शूट में बनी है, आप देख सकते हो आपके सामने बनी है। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए आई शेडो एज इट इज ऐसी ही हो गई है। हमने इसको थोड़ा भी मूव अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें बाकी शेड्स भी इसके अभी फिक्स करने हैं। अभी इसके बाकी शेड्स फिक्स नहीं है, जब फिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे। ब्रश मैं आपको दिखाती हूँ, आपके पास भी होगा इस तरीके का कोई भी पफी मेकअप ब्रश लीजिए और इस तरीके से हम इसे क्लीन कर देंगे ताकि जो शेड्स थोड़े बहुत मिक्स हो गए थे वो क्लीन हो जाए। ठीक है, सभी में से ये काम करेंगे हम, जैसे यहाँ पर जो भी शेड आ गया है उसे हम क्लीन कर लेंगे तो आई शेडो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल न्यू आई शेडो की तरह। तो इस तरीके से आप न्यू टूटे ब्रोकन आई शेडोज को यूज़ कर सकते हो और फिक्स करके आप इजीली इनको सेल आउट कर सकते हो। कोई भी कस्टमर अगर देख रहा है कि हम टूटी चीज़ को फिक्स करके बेचते हैं तो प्लीज़ इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ब्रेकेजेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको ही मिल जाए। ये जो ब्रेकेज पीसेज होते हैं ये ठीक होने के बाद हम सेल में डालते हैं, उसके बाद सेल में से आधे दाम पर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक करने के बाद भी हम इसे सस्ते में बेचते हैं, आप जिस अमाउंट को पे करते हो हमें उसमें आप फ्रेश पीस ही लेते हो हमसे। बाकी ऐसा भी होता है कि इन चीज़ों को फिक्स करके हम अपने घर भी ले जाते हैं, घर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, बिजनेस टिप्स लेने के लिए, DIY करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।